देवी सेंट्रिक चैनल मॉम इन इंडिया में मैं पूजा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में एक साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें रोजाना विटामिन डी का डोज जरूर दीजिए। एक साल से कम उम्र के बच्चों को किन्हीं भी 3 महीनों में आयरन का डोज जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मियों के दिन स्टार्ट हो चुके हैं। गर्मियों में बच्चों की केयर बहुत अच्छे से करनी होती है। बहुत से बच्चों को रैशेज हो जाते हैं, घमोलिया हो जाती है। ऐसे में क्या टेलकम पाउडर बच्चे को डालें या फिर कौन सी होम रेमेडीज आपको अप्लाई करनी है जिससे कि बच्चे की जो घमोरी है वो एक ही दिन में चली जाएंगी, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो घमोरियां होने पे दोस्तों आपको बच्चों को टेलकम पाउडर यूज नहीं करना है। आपको पता ही होगा कि डॉक्टर भी इससे मना करते हैं कि बच्चों में टेलकम पाउडर का यूज ना करें, क्योंकि क्या होता है कई बार जो टेलकम पाउडर होता है कई बार सांस लेते हुए बच्चे की सांस नलिका से अंदर चला जाता है, उसकी बॉडी में चला जाता है, बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो टेलकम पाउडर आप यूज ना करें तो भला घमोरिया सही करने के लिए आप बच्चे के लिए क्या यूज करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप इस दौरान मुल्तानी मिट्टी का यूज करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हर्बल चीज मुल्तानी मिट्टी अगर आप इस दौरान यूज करते हैं बच्चे के लिए तो ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ होता है। किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स से बच्चे को नहीं होते हैं और घमोरियां भी इससे आसानी से चल जाती है। आपको करना क्या है, आपको बच्चे के जिस भी एरिया में घमोरियां हो चुकी है उसमें मुल्तानी मिट्टी यूज करनी है। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर आपको आसानी से किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में या फिर खादी भंडार में आसानी से मिल जाता है। तो आप वहां से मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले लीजिए और उसे पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। तो जब आप इसे पानी के साथ मिला लेंगे उसके बाद बच्चे की ऐसी स्किन में जहाँ पे घमोरियाँ हो चुकी हैं लेप लगा लीजिए। बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है मुल्तानी मिट्टी से। तो 5 से लेकर 7 मिनट तक इस लेप को आप बच्चे के ऐसे ही एज इट इज लगाए रखिए। इसके बाद बच्चे की ये मुल्तानी मिट्टी वाली जगह को आप वॉश कर लीजिए। तो आप देखेंगे जब आप मुल्तानी मिट्टी बच्चे पे यूज करेंगे तो उसकी जो घमोरियां हैं वो लगभग 24 घंटे के भीतर ही समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये टिप आप फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों मसाज में अगर आप ऑयल यूज कर रही हैं तो आपको बता दूं कि आप कोई भी ऐसा गर्म तेल यूज ना करें। आप सरसों का तेल इस दौरान यूज ना करें, बादाम का तेल यूज ना करें, आप बच्चे की स्किन में सिर्फ और सिर्फ नारियल का तेल यूज करें। तो जब भी बच्चे को नहला रहे हूँ उससे पहले आप मसाज करेंगी बच्चे की, तो नारियल के ऑयल से करना है। इससे जो रैशेज भी होते हैं या घमोरियां होती हैं वो भी ठीक हो जाती है और बच्चे को काफी ज्यादा ठंडक मिलती है, आराम मिलता है इस दौरान। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर बच्चे को घमोरियां हो गई है तो ये दोनों चीजें आपको इस दौरान करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ही बेबी केयर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय विद योर लव्ड वंस।